कतर की दो न्यूज। पहली न्यूज है सीआईडी की तरफ से, जिसने एक बंदे को पकड़ा है, जिस सीआईडी वालों ने जो कतर में जाली वीजे फ्रॉक करता था, लोगों को जाली वीजे देता था। और दूसरी न्यूज है बाइक राइडर वालों के लिए, जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, जहां से जाना होता है लेफ्ट ले लेते हैं राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। तो ये दो बड़ी न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। पहली न्यूज, जो फ्री वीजा लेते हैं, फैमिली वीजा लेते हैं या वर्क वीजा लेते हैं, वो दिखने में बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो फेक होता है। आपके पैसे जाया, आपका काम जाया। और दूसरी न्यूज, जैसे मैंने बता दिया, बाइक राइडर वालों के लिए, जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, लेफ्ट ले लेते हैं कभी राइट, और इसी तरह एक्सीडेंट भी होते हैं। और उसको देखते हुए कतर की गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोज मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आए, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, पहली जो न्यूज है वो है जाली वीजा, यानी फेक वीजा, जो रियल नहीं होता, फेक होता है। अभी सीआईडी वालों ने एक बंदे को पकड़ा है, जिसके पास बहुत ज्यादा वीजे, स्टैंप और जो वीजा बनाने के लिए चीजें होती हैं, वो हर चीज मिली। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस बंदे के पास हर चीज मिली है, जो एक वीजे को रियल वीजा, यानी फेक वीजे को रियल वीजा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो पकड़ा गया। तो अगर आपके भी साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए, या कतर में आपको कोई जाली वीजा दे, पैसे ले ले, आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो आप फौरन सीआईडी या पुलिस को बताएं। पुलिस को बताएं, ये खुद ही मामला आगे बढ़ जाएगा, और आपकी हेल्प करने के लिए कतर पुलिस कोई कसर या कमी नहीं छोड़ेगी। ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल जैसी पुलिस नहीं है, जो सिर्फ तारीख पर तारीख देती है। ये तारीख पर तारीख नहीं देते, ये फौरन एक्शन लेते हैं। और आपका जो मसला है, जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है, जो वो बंदा अगर कतर में है तो ऐसे पकड़ा जाएगा। अगर वो कतर से बाहर चला जाएगा, जरा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कतर पुलिस पूरी कोशिश करेगी उस बंदे को पकड़ने के लिए। तो जाली वीजों से, फेक वीजों से बचें। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो आप फौरन कतर पुलिस को इत्तला करें, वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। उसके बाद जो दूसरी न्यूज है वो है बाइक राइडर वालों के लिए। जैसा कि आपको पता है, बाइक राइडर वाले, उन्होंने राइट जाना होता है तो वो यकदम राइट ले लेते हैं, और अगर उन्होंने लेफ्ट जाना है तो ऐसे ही 2 सेकंड नहीं लगाते और लेफ्ट ले लेते हैं। तो अभी जो कतर के कानून ने ऐलान किया है, कतर ने, गवर्नमेंट ने, वो ये है कि अगर बाइक राइडर वालों ने राइट साइड मोटरसाइकिल चलानी है, अगर उन्होंने लेफ्ट साइड जाना है, जिस इशारे से जाना है, जिस कट से जाना है, यानी आपको पता है मैंने इधर को जाना है, लेफ्ट जाना है, तो उससे 300 मीटर पहले अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा, लेफ्ट लाइन में आना पड़ेगा। ये नहीं है कि फलां इशारे से जाना है, उससे 2 या 3 सेकंड पहले आपने लेफ्ट आ जाना है, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे आपको फाइन भी आ जाएगा, आपका वीजा भी कैंसिल हो जाएगा, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आपने कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं करनी, कानून को मानना है। कतर का कानून मानेंगे तभी आप इधर चलेंगे। देखे ना, आपकी वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है या आपका होता है, तो इस तरह आपका भी नुकसान है, और जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ उसका भी नुकसान है। तो नुकसान को बचाएं, और आसानी से अपना लेफ्ट जाना है तो 300 मीटर पहले अपनी लाइन को चेंज करना है। अगर आप उधर कैमरे में नजर आ जाते हो, 2 सेकंड पहले लेफ्ट किया, राइट किया, तो आपको जुर्माना हो सकता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आए, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।